जिस तेजी से हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट दे रही है, उससे लग रहा है कि जल्दी ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। अगर बात करें चुनाव की तारीख की, तो 14-15 मार्च के आसपास आम चुनावों की घोषणा संभव है। खबरों के अनुसार चुनाव आयोग लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है और ये अंतिम चरण में है। फिलहाल चुनाव आयोग के अधिकारी आम चुनाव की तैयारियों का आकलन करने के लिए कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इधर भाजपा और कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस विपक्षी गठबंधन के अपने साथियों के साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। वहीं भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। भाजपा की इस पहली सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम हैं। कुल 195 उम्मीदवारों की लिस्ट भाजपा ने जारी की है। हालांकि कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। इसके अलावा यूपी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार भी आज होने को है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, भाजपा विधायक दारा सिंह चौहान और रालोद के 1 से 2 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आपको बता दें कि राजभर काफी समय पहले एनडीए में शामिल हो गए थे। वो बीजेपी आलाकमान से भी मिल चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें यूपी सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया। मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर वो कई बार खुलकर नाराजगी भी जता चुके हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि जब तक मैं राजपाट नहीं ले लेता तब तक मैं होली नहीं मनाऊंगा। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के विधायक अनिल कुमार को लखनऊ बुलाया गया है। उनके मंत्री बनने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा भाजपा के साहिबाबाद से एमएलए सुनील शर्मा को भी मंत्री बनाने की बात की जा रही है। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के लखनऊ लौटने के बाद राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे। चर्चा है कि इस बार का कैबिनेट विस्तार बहुत छोटे स्तर पर होगा।